घड़ी, हाँ तुम्हें घड़ी जो पहनी हुई है ना सैटेलाइट से, उसका जो है ना टाइम भी देखा जा सकता। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने घर में सेफ होंगे। और ये है हाशिम। और आज अब जिस वीडियो में रिएक्शन करने जा रहे हैं उससे पहले चैनल को, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, बड़ी जबरदस्त वीडियो आने वाली है। कौन सी वीडियो है? वो है व्हाई सैटेलाइट इमेजेस इन इंडिया आर ब्लर्ड एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। व्हाई? लेट्स फाइंड आउट व्हाई। आप में से ज़्यादातर लोगों ने गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया होगा और हो सकता है आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया की सैटेलाइट इमेजरी अगर आप कोई बाहरी देशों के साथ में कंपेयर करो तो कंपैरेटिवली थोड़ी ब्लर नज़र आती है। अगर आप यूए को देखो, यूएसए को देखो, यूरोप की कोई कंट्री या कोई और देश, हमारे देश के अंदर इतनी ज़्यादा क्लियरिटी हमें इमेजेस में नहीं दिखती। तो ऐसा क्यों है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मेरा ब्लर से क्या मतलब है, तो अगर आप ये देखते हो तो आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। ये हमारे देश के अंदर का एक फुल्ली जूम लोकेशन है। यहाँ पर आप डिटेल्स देख लीजिए, रोड में, कार में और ऐसे ही कुछ और लोकेशंस हम देख सकते हैं, जहाँ से हमें आइडिया आ जाएगा कि इंडिया के अंदर की सैटेलाइट इमेजरी कितनी क्लियर है। अगर आप दूसरे लोकेशन पर जाकर देखते हैं, यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए कि कार्स, रोड्स, बिल्डिंग डिटेल्स, ये सारी चीजें ज्यादा क्लियर अलग नजर आती है और इनमें ज्यादा डिटेल्स है। ये रहे कुछ और एग्जांपल इमेजेस। इंडिया में सैटेलाइट व्यू में कम डिटेल्स होने के पीछे दो मेन रीजंस है, जिसमें से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रीजन है हमारे देश के अंदर का कानून या लॉ। दरअसल इंडिया में प्राइवेट कंपनीज को मैक्सिमम जनरल यूज के लिए एक लिमिट सेट की गई है रेजोल्यूशन की, और इस रेजोल्यूशन में मैक्सिमम परमिसिबल पिक्सल साइज है 1 मीटर स्पेशल या 1 मीटर GSD या ग्राउंड स्पेशल डिस्टेंस। मतलब सैटेलाइट जो फोटो दिखाएगा उसमें सबसे छोटा पिक्सल जो हमें बताया जा सकता है उसके ग्राउंड पर एक्चुअल जमीन पर साइज 1 मीटर बाय 1 मीटर की होगी। और ये भी दोस्तों मैक्सिमम परमिटेबल रेजोल्यूशन है, कुछ कुछ जगहों पर इससे भी कम रेजोल्यूशन ही परमिट किया जाता है। अब ये रेजोल्यूशन है क्या? कोई भी इमेज छोटे छोटे स्क्वायर से बनी है और कई सारे स्क्वायर्स बनने के बाद में एक इमेज बनती है। जितने ज्यादा ये छोटे स्क्वायर्स होंगे उतनी ज्यादा डिटेल हमें इमेज में नजर आएगी। जैसे आप YouTube पर 720p 1080p देखते हो, जिसके वजह से वीडियो की क्वालिटी आप इम्प्रूव कर सकते हो, और उसमें रेजोल्यूशन कहा जाता है, यानी वो जो वीडियो का वर्टिकल भाग होगा उसके अंदर 720 स्क्वायर्स होंगे या फिर 1080 स्क्वायर्स। नॉर्मल फोटोज में तो ये स्क्वायर्स बहुत छोटे होते हैं, आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, जबकि सैटेलाइट इमेजरी इतने बड़े स्केल पर होने के कारण इनके पिक्सल साइज कुछ सेंटीमीटर से लेके कई मीटर चौड़े हो सकते हैं। इंडिया में कई साल पहले जब सैटेलाइट मैप्स का चलन शुरू हुआ, यहाँ पर जनरल पब्लिक को भी सैटेलाइट मैप्स अवेलेबल होना शुरू हो गई, तब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पूरी की पूरी जनता को और कंपनीज को स्पेशली हाई रेजोल्यूशन इस्तेमाल करने के लिए देना सही नहीं हो सकता है, और 1 मीटर पिक्सल स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डर सेट किया गया सारी की सारी प्राइवेट कंपनीज के लिए। यानी अगर कोई ऐसा सैटेलाइट भी है जो इससे ज्यादा डिटेल्स निकाल सकता है, और ऑब्वियसली कई सारी प्राइवेट कंपनीज और खुद की हमारी गवर्नमेंट के पास में ऐसे सैटेलाइट्स है जो वो काफी ज्यादा छोटे पिक्सल्स वाले इमेजेस निकाल सकते हैं हमारे ग्राउंड लेवल पर, फिर भी उन्हें वर्चुअली रिस्ट्रिक्ट किया जाता है और बाद में आर्टिफिशियली ब्लर किया जाता है 1 मीटर GHD तक रेजोल्यूशन बताने के लिए। अब ये किया इसलिए जाता है ताकि हमारे देश के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स है, रोड नेटवर्क्स है और कुछ सेंसिटिव एरियाज है, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। ज्यादा रेजोल्यूशन होने से स्टार्टिंग में ये कंसर्न कई सारी गवर्नमेंट्स को था कि इसका गलत फायदा कई लोग उठा सकते हैं, चाहे वो स्पाइंग के लिए हो, टेंस सिचुएशंस के दौरान हो या कोई दूसरी बातें। और ये दोस्तों ना सिर्फ इंडिया के लिए कंसर्न था, लेकिन सिमिलर रूल्स ऑलमोस्ट दुनिया भर के सारे देशों में सेट किए गए थे, चाहे वो डेवलप्ड देश हो या डेवलपिंग। लेकिन बाय टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और सैटेलाइट इमेजरी का यूज बढ़ता गया, ना सिर्फ मैप्स के हिसाब से लेकिन कई सारी दूसरी चीजों में भी सैटेलाइट मैप्स का इस्तेमाल जब होना शुरू हुआ, तब इंडस्ट्री से डिमांड आना शुरू हो गई कि गवर्नमेंट रेजोल्यूशन बढ़ाए। और कई देशों ने जिन्होंने 2 मीटर GHD 3 मीटर GHD से शुरू किया था, उन्होंने हर 2 या 3 साल या मैक्सिमम 4 साल में अपने रेजोल्यूशन अपडेट करते हुए सिक्योरिटी के लिए दूसरे रीजन ढूंढते हुए आज ज्यादा रेजोल्यूशन परमिट कर दी है।
जबकि हमारे देश में आखिरी बार अपडेशन 11 साल पहले हुआ था और उसके बाद में अब तक इसे अपडेट नहीं किया गया है। दोस्तों, जो हमारे अंदर राइड हेलिंग कंपनीज है, लॉजिस्टिक्स कंपनीज है, कई सारी सर्विंग कंपनीज है, उन्हें आज दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इंडिया में रेजोल्यूशन इतना गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं है और इनके द्वारा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि फोर्स किया जा रहा है एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट को कि वो परमिशन दे दे एटलीस्ट हाफ मीटर जीएसटी की। और गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये रूल पास कर दिया जाता है तो देश में हमें आने वाले कुछ समय में और ज्यादा क्लियरिटी के साथ में मैप्स दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी के कारण अभी बहुत जल्द ऐसा कुछ होना हमें पॉसिबल नहीं लगता है और देखते कब तक ये पहली वाली दिक्कत सॉल्व हो पाती है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है प्लेन इमेजिंग से रिलेटेड। दोस्तों, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट सिटीज दुनिया भर में मौजूद है, गूगल या गूगल के डेटा प्रोवाइडर्स प्लेन्स के जरिए उनकी इमेजिंग करते हैं, यानी सैटेलाइट्स के बजाय एरोप्लेन्स जिनके अंदर कई सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वो सिटीज के ऊपर उड़कर उनकी डिटेल्ड इमेजिंग करते हैं और इसके वजह से कई सारे दूसरे शहर जहां पर परमिशंस ऑलरेडी दे दी गई है वहां पे सिटीज में आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी नजर आती है क्योंकि वहां पर ना सिर्फ सैटेलाइट बल्कि प्लेन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। जबकि इंडिया में रूल्स वगैरह के कारण हमारे यहाँ पर प्लेन्स का इस्तेमाल करना काइंड ऑफ मना है और करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा परमिशंस की ज़रूरत है, जिसके कारण कोई भी इमेजिंग कंपनी, गूगल या उनके डेटा प्रोवाइडर्स प्लेन्स का इस्तेमाल करते ही नहीं है इंडिया में और सिर्फ सैटेलाइट इमेजरी पर वो डिपेंडेंट है। और इसके वजह से आपको ये डिफरेंस नज़र आता है हमारे देश के अंदर दिख रही सैटेलाइट इमेजरी में, जबकि कंपैरेटिवली अगर आप सेम जूम करें किसी दूसरे भारी शहर के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो ये थी यार वीडियो, और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि वाई सैटेलाइट इमेजेस इन इंडिया आर ब्लर्ड एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो रीज़न बताया उन्होंने, बिल्कुल वैलिड रीज़न थे कि वो जो इंडिया में अलाउ नहीं करती कंपनीज जो है दिखाना, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह और वो स्पाइंग कर सकते हैं लोग, इस तरह की सारी सिचुएशन होती है। लेकिन यार इंडिया ने एक लॉन्च किया था कार्टोस्टैट, कार्टोस्टैट के नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है ना घड़ी, हाथ में घड़ी जो पहनी हुई है ना सैटेलाइट से, उसका जो है ना टाइम भी देखा जा सकता है, ऐसी वो क्लियर होगी इमेज। तो वो मुझे लाइक समझ नहीं आई कि वो अभी तक लॉन्च हुई है या वो अभी ऑपरेशनल है कि नहीं, वो कोई नीचे बताना चाहे तो बता सके। वो जो सिचुएशन था इस वजह से मैं थोड़ा कन्फ्यूज हुआ, लेकिन उन्होंने जब ये कहा ना कि लाइक इससे भी ज़्यादा क्लियर है इंडिया में, लेकिन दिखाते नहीं है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती और वो जो प्लेन से लेते हैं इमेजेस वो भी नहीं गवर्नमेंट अलाउ करती, तो फ़र्क तो आता है ज़ाहिर है। वो दूसरी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सारी चीज़ें पहले स्टार्ट की हैं और वो उनकी इमेजेस आपको पता है ज़रा बहुत ज़्यादा है, रेजोल्यूशन उनकी हाई है। और तो ये रीज़न थी यार, और बाकी यार हो जाएगा इंडिया में भी मुझे लगता है, और कुछ दो तीन सालों बाद या चार पाँच सालों बाद इंडिया में भी क्लियर हो जाएगा। और ये बड़े हैरान की बात थी कि 11 साल पहले अपडेट किया था, फिर 11 साल पहले के हिसाब से ठीक है, ठीक है हाँ, 11 साल पहले के हिसाब से तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ज़बरदस्त वीडियो थी, और बिल्कुल यार ये जो एरियाज़ हैं एशिया के, ये थोड़े से ना ख़तरनाक टाइप एरियाज़ हैं मिलिट्री के हिसाब से, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो मिलिट्री में कुछ खुफिया भी रखी गई हैं और बेसिस वगैरह। तो फिर हो जाएगा सेट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। 1 2 3